दूसरी की दुकान सारा मिल जाएगा। तो देखिए सकल तो मैं बता दूं मैं नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। हांसी के सदर बाज़ार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सदर बाज़ार आप देख लीजिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को सबसे पहले आपके अपने चैनल पर लाइव दिखा रहा हूं। दिन दहाड़े 15,000 की चोरी यहां पर हुई है। इस वक्त आपको सबसे पहले आपके अपने चैनल गुफ्तगू पर ही सबसे पहले लाइव दिखा रहा हूं तस्वीरें। दिन दहाड़े 15,000 की चोरी हुई है। सामने आप एक बार दुकान देख लीजिए, ये पंसारी की दुकान है और वहाँ पर जो चोरी है वो हुई है। इस वक्त जो नोटों की माला होती है, एक कुछ लोग बाइक पर थे या पैदल थे अभी ये पता करेंगे, वो लेकर के यहाँ से फरार हो गए हैं। आप सभी से गुजारिश है, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जो दुकान के मालिक हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सर, किसकी दुकान है ये? एक बार इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। नमस्कार सर, आपकी दुकान से हुई है सर? क्या क्या लेके गए हैं सर? दो माला, एक 10,000 की, एक 5,000 की। 5,000 की और एक 10,000 की। कहाँ पे टंगी हुई थी सर? यहाँ पे टंगी हुई थी। तो कैमरे वगैरह यहाँ लगे हुए हैं सर कहीं पे? यहाँ तो लगे नहीं, चौक पे में लगे हुए हैं। हाँ जी, हमारे पास तो लगे हुए नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ नहीं लगे हुए हैं? और कुछ भी कहीं से बाजार में कोई सूचना है कि कुछ लेके गए हैं? कुछ पैदल थे या बाइक पे थे? बाइक पे। और यहाँ से जब जाने लगे तो किसी ने रोकने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ तो हमेशा बाजार में भीड़ तो रहती है। हाँ जी, चौपटे में मेरी स्कूटी और टक्कर भी हुई है। अच्छा। हाँ जी, वो गिर भी गया स्कूटी वाला, लेकिन इनका बैलेंस बिगड़ गया था। कितने लोग थे सर? वो दो ही जने थे जी। दो जने थे? हाँ जी, दो लोग थे और यहाँ से लेकर के भागे हैं। हाँ जी, हम पीछे भागे हैं लेकिन उनकी टक्कर भी हुई स्कूटी के साथ, स्कूटी वाला नीचे गिर गया। कौन सी बाइक थी? हाँ जी, मेरे तो वो था डिस्कवर। डिस्कवर थी? हाँ। तो बजाज डिस्कवर बाइक से दो लोग यहाँ से 15,000 की, मतलब 10,000 की और 5,000 की, दो नोटों की माला, 100-100 से बनी हुई एक नोटों की माला और 50-50 के नोटों की माला यहाँ से लेकर के भागे हैं। इस वक्त मेरे साथ बाबा बूटा, उससे भी मेरे साथ में। सर नमस्कार, कैसे हैं? आपकी दुकान के बिल्कुल सामने से सर चोरी होगी? हाँ जी, हुई है। मतलब दिन दहाड़े लेकर के भागे क्या? अभी थोड़ी देर पहले जी। हाँ जी, थोड़ी देर पहले। मोटर कितने लोग थे? दो आदमी थे जी। दो आदमी थे? तो आप लोग पीछे भागे नहीं? सारे बाजार वाले बचे थे जी, एक आदमी थोड़ी बचा था। सारे बाजार वाले चौक से पुलिस भी बैठती है नाम की है जी। हाँ जी, नाम की। तो पुलिस ने देखा नहीं जैसे भाग रहे, तो उनके पीछा किसी ने नहीं करा? बचे हैं, पुलिस वाले भी बचे हैं पीछे। अच्छा, आज तक को नहीं आए जी। अच्छा, मतलब नाम नाम की पुलिस कैसे है सर? बस दो मुलाजिम बैठते हैं जी, उनके पास कोई मोटरसाइकिल वगैरह कुछ है तो नहीं, कुर्सी साइड में बैठ जाते हैं अपने, बाकी वो भागे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं कह रहा हूँ जी, नाम की पुलिस है जी, कुर्सी तोड़ रहे हैं बैठ के। अब ये बताओ जी, मेन बाजार में से ले गए तो क्या सिक्योरिटी आदमी की बताओ? कभी दिन दहाड़े देखो, इतना भीड़ा बाजार, चहल पहल पूरी, तो क्या आदमी की सिक्योरिटी है बताओ? कि दो लोग बता रहे हैं आप? दो लोग थे, एक मेरा पीछे बैठा हुआ था, एक माला तोड़ के भागे, एक ने चलाया बाइक। अच्छा। एक दो बंदों ने यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही है पकड़ने की, स्कूटी भी वहाँ पे उलट गई, एक वहाँ पे स्कूटी का एक्सीडेंट भी हुआ उनका, चौक पे टक्कर भी मारी है, वो चला गया वो तो। अच्छा, स्कूटी के टक्कर भी मारी है, फिर भी निकल गए वो? फिर भी निकल गए, हाथ नहीं आए? हाथ कहाँ से? वहाँ भागे सर, सीधा भागे, इधर भागे, बाद में मिखल मोड़ा बाइक उन्होंने, दिल्ली गेट गए, दिल्ली गेट की साइड गए। तो यहाँ पर इनके यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई फोटो नहीं आ रही है जी। तो यहाँ पर फोटो नहीं आया भैया। इस वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आप सभी लोगों को तस्वीरें दिखा दूँ सदर बाजार में। इस वक्त अभी अभी ये घटना हुई है कि 10,000 की और 5,000 की जो नोटों की माला है, जो बाहर लगती है, जो शादी के समय यूज़ की जाती है, तो वो माला लेकर के यहाँ से भागे हैं। और आप एक बार ये तस्वीरें देख लीजिए, कैमरा जो है, कैमरा लगे तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैमरे वहाँ सामने की तरफ लगे हुए हैं, यहाँ नहीं लगे हुए हैं। एक बार ये तस्वीरें आप देख लीजिए कैमरे की भी। तो यहाँ पर इस वक्त मौके पर पुलिस भी है, लेकिन जो चौपटा चौक पर पुलिस बैठी है, उनका दुकानदारों का कहना है कि वो नाम नाम की पुलिस है, वहाँ पर कोई काम करने वाले नहीं। जी, आप गए थे सर पीछे तो पकड़ में नहीं आ पाए? नहीं जी, मेरा पैर फिसल गया यहाँ पे। अच्छा, फिर हाथ लगाने आगे चौपटे में जाके तो वहाँ पे एक बाइक स्कूटी के साथ टकरा गई। इसी चौक पे? हाँ, इसी चौक पे। अच्छा, स्कूटी वाले सामने से आ रहे थे? हाँ, तो वे टकरा गए, फिर वहाँ से भी निकल गए, फिर आगे जाके फिर एक दुकान पे और मतलब गिरते गिरते बचे, तो वे वहाँ से भी निकल गए। आप वहाँ तक भागे लेकिन हाथ के हाथ नहीं आ पाए? हाँ, हाथ नहीं आ पाए। हाँ जी, टाइम अंदाजा 2:30 बजे
लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 से 3:15 के बीच में बताया जा रहा है, मतलब 10 से 15 मिनट पहले की वारदात ही है, 15 से 20 मिनट पहले की। कितने दो लोग थे? दो लोग थे, दो दुकानदार भी गए हैं पीछे। अच्छा, ये इनको भी, ये पुलिस वाले हैं, इनको भी रास्ते में भागते हुए नजर आए हैं ये दो लड़के। अच्छा, तो इन्होंने सोचा कि भाई ये भाग रहे हैं, इनको मालूम नहीं चला कि भाई किस वजह से। ये जो पुलिस वाले आप जा रहे हैं सामने से आप देख रहे होंगे, हालांकि ये इनको यहाँ बुलाया नहीं गया था, ये अपना किसी काम से आए हुए थे यहाँ बाजार में, लेकिन जैसे वो बाजार में आए तो लोगों ने कहा कि जो कुछ लोग भाग रहे हैं पीछे, ये सामने देख लीजिए तस्वीरें, दिल्ली गेट की तरफ वो लोग भागे हैं और स्कूटी से टक्कर भी हुई है और कुछ दुकानदार उनके पीछे भी भागे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बाइक पर जो फरार होकर यहाँ से भाग गए। तो सर क्या लगता है बाजार में दिन दहाड़े यहाँ से सामान लेकर के चले जाते हैं लोग, सेफ्टी आपको लगता नहीं है सर? सेफ्टी जी, चौक पे एक पुलिस वाला भी खड़ा था। एक थे या दो थे? एक था। अच्छा, तो आपने उनको सूचना नहीं दी? सूचना दी हमको, उसको देखा भी था वे भाग रहे हैं, उसने भी कोई मतलब ना कहीं पे कवरेज है, खूब बाजार का ख्याल रखता है जी, कोई जाम खुलवाना खुलवाना पुलिस वाले का काम करता है वाला। तो उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की कि भैया उसके सामने, उसके सामने से गए और उसको आगे जाके फोन भी कर सकता था वो पुलिस वाले को, कभी आगे से कोई कांटेक्ट हमारे का ही पीछे करा जी पुलिस ने। पुलिस ने फोन आपके कहने के बाद करा, पहले कोई कार्रवाई के कहने के बाद करा फोन। क्या लगता है मिलेगा जो लेकर फरार हुए, लगता है पुलिस काम? वो तो देखो जी प्रशासन कर, आप लोग आप करो कि मैं प्रोग्राम तो मिल जाए मिलने के, मतलब बाजार वाले जो है वो एक तरीके से हार मान चुके हैं कि वो नहीं होगा बाजार के मेन आदमी। तो मतलब दुकानदारों का यहाँ पर कहना कि मुश्किल है। ये सामने एक बार तस्वीर देख लीजिए, कॉर्नर पर जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं वहीं पर हमेशा पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन उनके होते हुए भी बाजार से दो लोग आए और पुलिस वालों को, जो चोर थे उनको ये चीज़ पता भी थी कि बाजार में पुलिस होगी, बावजूद उसके वो आए और यहाँ से 15,000 रुपये की ये लूट आप देख सकते हैं, यहाँ से माला लेकर के चले गए। आप ये तस्वीरें एक बार देख लीजिए, दुकान आप देख लीजिए, इस दुकान के बाहर से जो नोटों की मालाएं लगी हुई हैं यहाँ से, क्योंकि जो दो जगह आप ये देखिए, इस दुकान के बाहर जो दो जगह खाली पड़ी हैं यहीं से वो 200, 100 की और 150+ की जो माला बनी हुई थी वो लेकर के यहाँ से फरार हुए हैं। आप लोगों की इसमें क्या राय है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द आप लोगों के साथ एक अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बी सेफ बी हेल्दी। और एक बार तस्वीरें देख लीजिए, मेन सदर बाजार इसे कहा जाता है, मेन सदर बाजार इसे कहा जाता है, और यहाँ से दिन दहाड़े लूट हो जाती है, दिन दहाड़े यहाँ से उठा करके सामान ले जाते हैं। आप लोगों की राय बेहद ज़रूरी है, कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच।